हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की समरी देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। इसके अंदर दो स्टोरीज़ हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है वो साहिब नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है और दूसरी स्टोरी मुकेश नाम के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसे कि स्टोरी के टाइटल से ही पता चल रहा है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि उन बच्चों के बारे में हैं जो गरीब हैं, जिनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनको एक अच्छी खासी लाइफ दे पाएँ और एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। एक बच्चा है साहिब नाम का और वो माइग्रेंट फैमिली से है। माइग्रेंट फैमिली जो माइग्रेशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो ढाका जो है बांग्लादेश में, वहाँ से यहाँ पर आया है और ये हर सुबह सिक्के ढूंढता है कूड़े में। इसकी फैमिली जो है उन्होंने अपना पुराना विलेज छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और अब ये लोग झुग्गियों में रहते हैं सीमापुरी की। साहिब के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ना ही उसके पास कोई स्कूल वगैरह है, यहाँ तक कि उन लोगों के पास चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए। अगर उनसे कोई इस बारे में पूछता है तो वो कस्टम और ट्रेडिशन जैसे एक्सक्यूज़ दे देते हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। साहिब की फैमिली की तरह और भी थाउजेंड्स ऑफ फैमिली, मतलब काफ़ी सारी फैमिली हैं जो यहाँ पर आई हैं बांग्लादेश से और अभी वो सीमापुरी में रहती हैं, जो कि आउटस्कर्ट पर है दिल्ली के, और हालांकि कैपिटल सिटी है दिल्ली और वहाँ के आउटस्कर्ट पे है, बाउंड्री पर है सीमापुरी, लेकिन स्टिल बहुत ही डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर है। ये लोग यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा रह रहे हैं लेकिन फिर भी इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वे कचरे में से सामान वगैरह ढूंढते हैं, कभी कभार इन्हें मिल जाता है लेकिन कभी कभार इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। बच्चों के लिए कूड़ा जो है ये एक सरप्राइज़ की तरह होता है क्योंकि कभी कभार इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और बूढ़ों के लिए ये एक सर्वाइवल का एक ज़रिया है। लेकिन अब साहिब जो है उसको एक टी स्टॉल पे जॉब मिल गई है और यहाँ पे उसको 800 रुपये मिलेंगे। वो इस बात से खुश तो है लेकिन वो इस बात से दुखी भी है क्योंकि अब उसकी जो केयर फ्री लाइफ थी इसमें उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी कि भाई घूमना फिरना और कूड़े में से जो मिले उठा के उसमें से खा जाना, तो पहले उसकी ये ज़िंदगी थी। लेकिन अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है जहाँ पे उसे पैसे तो मिल रहे हैं 800 रुपये, लेकिन वो जो था कि भाई अपने खुद का राज वो वाली बात नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सैड है। अब दूसरी हमारी स्टोरी है मुकेश की। मुकेश एक छोटा सा लड़का है जो कि बैंगल टाउन ऑफ इंडिया फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे ये रहता है और इसकी जो फैमिली है उनका काम भी चूड़ियाँ बनाना है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चे अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं चूड़ियाँ बनाने में, एक छोटा से कमरे में जहाँ पे ना एयर है ना लाइट है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश की सिस्टर इन लॉ उनके लिए खाना बनाती है उनकी फैमिली के लिए, और जो उसकी दादी हैं वो कहती हैं कि ये उनकी किस्मत है, उनको भगवान ने ही इस परिवार में पैदा करा है और अब उनकी जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सिर्फ चूड़ियां ही बनाएंगे क्योंकि उनकी जो कास्ट है वो यही है। लेकिन मुकेश कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि एक दिन वो एक गाड़ी ज़रूर ड्राइव करेगा और वो मोटर मैकेनिक बनेगा। बैंगल्स जो हैं फिरोज़ाबाद की वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं, हर किसी को पहननी पसंद है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि उसके पीछे जिन्होंने ये बनाई हैं वो बेचारे कितना स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बाय द मिडलमैन, मतलब जो बीच के व्यापारी वगैरह होते हैं उनसे। उनको कई बार मारा जाता है पुलिस के द्वारा और उनकी जो सोसाइटी है उनके ऊपर एक स्टिग्मा है ये कि अब तो उनकी जो कास्ट है वो चूड़ियों बनाने वाली है और अब ये इन्हीं में पैदा हुए हैं और इन्हीं में इनकी डेथ होगी, मतलब इनकी जो पीढ़ियाँ हैं ये यही काम करेंगी। इनके एक्सप्लॉइटर्स हैं मिडलमैन, पुलिसमैन,
लॉ, जो लॉ का ध्यान रखते हैं ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन, यही इनके एक्सप्लॉयटर्स हैं। तो यही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।